तो क्या इमलैंड के लेटेस्ट वीडियो के अंदर क्रिएटिव मोड का इस्तेमाल हुआ है? क्या ये होगा वाला जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये फेक है? अगर आप आज की इस वीडियो पूरी की पूरी देखोगे तो तुम्हें इस दोनों सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक एंड लेट्स स्टार्ट मैन। फर्स्ट हिडन डिटेल, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा होगा लाला असली है, तो तुम लोग कहोगे कि असली होगा लाला का नेम टैग दिखता है और उसके अंदर से वो पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब होगा लाला फाइट ले रहा होता है होगलू के साथ, तब उसका नेम टैग शो नहीं कर रहा होता और उसके अंदर से कोई भी पार्टिकल निकल नहीं रहा होता। तो क्या इसका मतलब जो होगा लाला लड़ रहा था होगलू से वो फेक था? नीचे कमेंट कर जरूर बताना। सेकंड हिडन डिटेल, यह डिटेल रेडियंट से रिलेटेड है। स्मार्टीफाई जब रेडियंट को हिमलैंड्स के अंदर लाने के बाद पूर्ण विराम वाली जगह का लोकेशन ढूंढने के लिए वो रेडियंट प्रोफेसर को देता है, तब तो उस टाइम प्रोफेसर कहता है कि इस रेडियंट को वो ऐसी जगह पे गाड़ेगा जहाँ पे कोई भी बंदा उसे ढूंढ नहीं सकता और उसका मिसयूज नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं होता तो एक क्लिप देख लो। मिलियन टीएनटी हम लोग फोड़ेंगे, 1 मिलियन TNT को फोड़ने के बाद जितनी एनर्जी निकलेगी ना, उतनी एनर्जी इस रेडियंट नाम के डायमंड के अंदर है। तो इसने क्या किया, अभी इस रेडियंट नाम के डायमंड को अभी ये ना कहीं पे छुपाने वाला, ताकि किसी और गलत बंदे के हाथ में ना लगे, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तुम लोग समझो 1 मिलियन डायमंड्स। तो फिर ये रेडियंट स्मार्टी भाई के इन्वेंटरी में आया कैसे, ये सोचने वाली बात है। क्या आपने नोटिस किया था, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। थर्ड हिडन डिटेल, तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर नॉर्मली एक प्लेयर के 10 हार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पूर्ण विराम वाली जगह पर हिमलैंड्स गैंग पहुँचती है, तब तुम लोग यहाँ पे क्लियर ही देख सकते हो कि स्मार्टी बाई के 10 हार्ट्स से, लेकिन एजी और ड्रीम बाई के 20 हार्ट्स से। और ये कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। तो क्या आपने नोटिस किया था, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते अपने फोर्थ हिडन डिटेल की तरफ, जैसे ही ये तीनों पहाड़ में पहुँचते हैं, तब तुम लोग देख सकते हो कि ये अनब्रेकेबल ब्लॉक से बना होता है और स्मार्टी भाई तक पहुंचने नहीं पा रहे होते और उनको जाना होता है टॉप पे। स्मार्टी भाई को ऊपर जाने में तकलीफ आ रही है, वो वहाँ पे ऊपर पहुंच नहीं सकते। और तुम लोग इस पहाड़ का शेप देखो, ये पहाड़ का इस तरीके से बनाया हुआ है कि कोई भी ब्लॉक से चढ़ के ऊपर नहीं जा सकता, और उसी टाइम में कट आता है और ये तीनों ऊपर पहुँच गए होते हैं। वैसे तुम में से लोगों का ही कहेंगे कि इसमें पर्ल का भी इस्तेमाल किया हो सकता है, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि ऊपर पहुंचने से पहले स्मार्टी बाई के इन्वेंटरी में 15 पल्स थे और ऊपर पहुंचने के बाद भी उनके पास 15 ही पल्स थे। इसका मतलब यहाँ पे पर्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बढ़ते अपने फिफ्थ हिडन डिटेल की तरफ, आई डोंट थिंक सो ये हिडन डिटेल किसी ने नोटिस की होगी। पहले तुम एक क्लिप देखो और स्मार्टी भाई क्या बोलते हैं इस पे नोटिस करो। कर सकता, मेरे को एक बात बता भाई, एक बात बता कि होगलाला का कौन सा रिलेटिव ऐसा है जो अच्छा है? होगलाला का कौन सा रिलेटिव जो कि अच्छा? होगलाला की दाई माँ हमारे साथ है वो, और उसका भाई भी होगलाला। भाई अबे कहाँ थे, अरे कहाँ थे? थैंक यू। अगर नहीं समझता तो बता दो कि ड्रीम बॉय जब स्मार्टी से पूछता है कि होगलाला का कौन सा रिलेटिव अच्छा है, तो स्मार्टी भाई दाई माँ के साथ गलती से ये भी बोल देते हैं कि होगलाला का भाई हुलालाला भी है। तो क्या आपने नोटिस किया था, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते अपने लास्ट और हिडन डिटेल जो कि है सिक्स्थ हिडन डिटेल। ये चीज़ तो आई थिंक सो हर बंदे ने नोटिस की होगी। अगर तुमने एजियो बाई का वीडियो देखा है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि विजर्ड की वर्ल्ड बॉर्डर वाली जो पावर है वो जा चुकी है, और उसके साथ ही साथ जो वर्ल्ड बॉर्डर उसने बनाई थी इंग्लैंड के आजू बाजू वो भी जा चुकी है। लेकिन अब स्मार्टी बाई का एपिसोड जैसे कल आया तो उसमें हमने देखा कि हिमलैंड सब प्रोटेक्टेड है वर्ल्ड बॉर्डर के साथ, और अगर विजर्ड के अंदर से वो पावर किलविश ने निकाल दी है तो वहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डर बनाए किसने? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा। तो क्या आपने नोटिस किया था, ऑफकोर्स नोटिस किया होगा। अगर उसके ऊपर कोई थ्योरी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ उनसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।